दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम् कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं भेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम् कर्तुं कुलालस्य तु वर्षमेकं वेत्तुं हि दण्डस्य मुहूर्तमात्रम्। दीर्घ प्रयासेन हि कृतं वस्तु निमेष मात्रेण विनाशं भजेत हि कुलालस्य कर्तुं तु एकं वर्षं दण्डस्य भेत्तुं मुहूर्तमात्रम्। शब्दशः अर्थ दीर्घ प्रयासेन बहुत कोशिशों से ही कृतम बनाई गई वस्तु चीज निमेश मात्रेण क्षण भर में विनाशम नाश को भजेत प्राप्त हो जाती है ही क्योंकि कुलालस्य कुम्हार का कर्तुम करने में अर्थात घड़ा बनाने में एकं वर्षम एक वर्ष लगता है तो किंतु दंडस्य दंडे से भेत्तुम तोड़ने में मुहूर्त मात्र अर्थात क्षण भर लगता है। भावार्थ बनने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में पल भर भी नहीं लगता। बहुत मेहनत से प्राप्त वस्तु या बनाई हुई वस्तु पल भर में ही नष्ट हो जाती है। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाने में पूरा एक साल लगता है, मिट्टी तैयार करता है, कूटता पीटता है, उसको सुखाता है, घड़ा बना करके पकाता है और तब जा करके एक घड़ा पूरा बनता है, किंतु डंडे से तोड़ने में पल भर लगता है। अतः हमें परिश्रम का अपमान नहीं करना चाहिए, परिश्रम से अर्जित वस्तु का रक्षण करना चाहिए। अगला श्लोक है, आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते। आरभेत हि कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते। अन्वय, पुनः पुनः श्रान्तः श्रान्तः हि कर्माणि आरभेत, कर्माण्यारभमाणं पुरुषं हि श्रीः निषेवते। पुनः पुनः बार बार श्रान्तः श्रान्तः थकते हुए हि कर्माणि कर्मों को आरभेत आरंभ करना चाहिए। कर्माणि कर्मों को आरभमाणं शुरू किया हुआ अर्थात लगा हुआ पुरुषम व्यक्ति की ही श्री लक्ष्मी निषेवते सेवा करती है। भावार्थ बार बार थक जाने पर भी अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म में लगे हुए मनुष्य को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात जो अपने कर्म में लगे रहते हैं उन्हें धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के पास धन स्वयं चला आता है। अगला श्लोक, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आलादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी।
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरि। अन्वयः यथा चंद्रेण सर्वरि आह्लादितं भवति तथैव एकेन विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण सर्वं कुलं आह्लादितं भवति। शब्दशः अर्थ यथा जैसे चंद्रेण चंद्रमासे शर्वरि रात्रि आह्लादितं प्रसन्न भवति होती है तथैव उसी प्रकार एकेन एक ही विद्यायुक्तेन ज्ञानवान साधुना सज्जन सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा सर्वं संपूर्ण कुलं वंशं आह्लादितं प्रसन्न भवति होता है। भावार्थ जिस प्रकार एक ही चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए उसे आनंद देता है शीतलता प्रदान करता है उसी प्रकार यदि एक ही बुद्धिमान ज्ञानवान सज्जन पुत्र प्राप्त हो जाए तो वह पुत्र ही समस्त कुल को आनंदित कर देता है अर्थात जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वंश को उन्नत बनाने के लिए एक सुपुत्र ही बहुत है। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलम् पिको वसंतस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य वलं च मूषकः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य वलं न मूषकः। अन्वयः गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः गुणं न वेत्ति बली बलं वेत्ति निर्बलः बलं न वेत्ति वसंतस्य गुणं पिकः वेत्ति न तु वायसः करी च सिंहस्य बलं वेत्ति न तु मूषकः। शब्दशः अर्थ गुणी गुणवान ही गुणं गुणों के महत्व को वेत्ति जानता है निर्गुणः गुणहीन गुणं गुण को न नहीं वेत्ति जानता है बलि बलवान ही बलम ताकत को वेत्ति जानता है निर्बलः कमजोर न नहीं वेत्ति समझता जानता वसंतस्य वसंत ऋतु का गुणम गुण पिकह कोयल ही वेत्ति जानती है न तु कि अर्थात न कि वायसः कौवा करी हाथी च और सिंहस्य शेर की बलम ताकत वेत्ति जानता है न तु न कि मूषकः चूहा। भावात गुणों का महत्व गुणवान ही जानता है गुणहीन व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं जानता बल का महत्व बलवान ही जानता है कमजोर व्यक्ति नहीं। वसंत का महत्व कोयल ही जानती है कौवा वसंत का महत्व नहीं जानता। इसी प्रकार शेर की ताकत हाथी ही जानता है चूहा नहीं। सार यह है कि गुणों का महत्व गुणवान व्यक्ति ही जानते हैं अच्छाई की कीमत अच्छा व्यक्ति ही समझता है अपने स्वभावानुसार ही व्यक्ति गुणों के महत्व को समझते हैं अपने स्वभावानुसार ही व्यक्ति गुणों को महत्व देते हैं। अगला अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदं भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषापहम्। अजीर्णे भेषजं वारी
जीर्णे वारि बल प्रदम भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषापहम्। अजीर्णे वारि भेषजं भवति जीर्णे वारि फलप्रदं भवति भोजने वारि चामृतं भवति भोजनान्ते वारि विषापहम् भवति। शब्दशः अर्थ अजीर्णे अपच में वारि जल भेषजं औषधि दवाई के समान भवति होती है। जीर्णे भोजन पच जाने पर वारि जल बलप्रदम बल प्रदान करने वाला भवति होता है। भोजने खाना खाते समय वारि जल अमृतम अमृत के समान हो जाता है। भोजनांते भोजन खाने के बाद वारि जल पीना विषापहम विनाशकारी विष के समान हो जाता है। कब जल पीना चाहिए और जल का क्या महत्व है पीने के विषय में यह इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। कहते हैं कि अपच के समय पिया गया जल दवा के समान है और भोजन पच जाने पर पिया गया जल मनुष्य को बल प्रदान करने वाला होता है अर्थात ताकत देता है। भोजन के समय पिया गया जल अमृत के समान है किंतु भोजन के अंत में जल कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि भोजन के अंत में पिया गया जल विनाशकारी विष के समान हो जाता है। अगला अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनम् शास्त्रम् यस्य नास्त्यंध एव स। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनम् शास्त्रम् यस्य नास्त्यंध एव स। अन्वयः अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् शास्त्रम् सर्वस्य लोचनम् यस्य पार्श्वे शास्त्र रूपी लोचनम् नास्ति स अंध एव। शब्दशः अर्थ अनेक संशयोच्छेदी अनेक संदेहों का छेदन यानी निवारण करने वाला परोक्षार्थस्य भूत भविष्य एवं वर्तमान की बातों का दर्शकम दर्शन कराने वाला शास्त्रम विद्या ही सर्वस्य सभी मनुष्यों का वास्तविक लोचनम नेत्र है। यस्य पार्श्वे शास्त्र रूपी लोचनम जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नास्ति नहीं है वह अंध अंधा ही है अर्थात अनेक संदेहों का शंकाओं का निवारण करने वाला भूत भविष्य एवं वर्तमान की बातों का दर्शन कराने वाला विद्या अर्थात ज्ञान ही सभी मनुष्यों का वास्तविक नेत्र है। जिसके पास शास्त्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है वह वास्तविक रूप से अंधा है अर्थात विद्या रूपी नेत्रों से ही संसार का सुख संभव है। जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है वह अंधा है। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रम् पांडित्य संभृत मतिस्तु मितप्रभाषी कांस्यं यथा हि कुरुते तितराम निनादं तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम्। अल्पज्ञ एव पुरुष प्रलपत्यजस्रम् पांडित्य संभृत मतिस्तु मितप्रभाषी कांस्यं यथा हि कुरुते तितराम निनादम् तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम्। इह अल्पज्ञ पुरुषः एव अजस्रम् प्रलपति पांडित्य संभृत मतिस्तु मितप्रभाषी यथा कांस्यं हि अतितराम निनादम् कुरुते तद्वत् सुवर्णम् नादम् नैव करोति। शब्दशः अर्थ इह
यहाँ इस संसार में अल्पज्ञ कम जानने वाला पुरुष एव ही अजस्रम पलपति प्रलाप करता है, बकवास करता है। पांडित्य संभृत मति ही तो पांडित्य से परिपूर्ण व्यक्ति तो मित प्रभाषी कम और अच्छा बोलने वाला होता है। यथा जैसे कांस्यम कांसा धातु ही अतितराम अत्यधिक निनादम शोर कुरुते करता है, तद्वत उसके जैसा अर्थात कांसे के बर्तन जैसा सुवर्णम सोना नादम शोर नैव नहीं करोति करता। अर्थात कांसा सोने की अपेक्षा कम मूल्यवान वस्तु है। कांसा कम मूल्य का जब गिरता है या बजाया जाता है तो बहुत शोर करता है, जबकि सोने जैसे बहुमूल्य धातु का पात्र कम शोर करता है। उसी प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं वे ही अधिक प्रलाप अर्थात बातें किया करते हैं, जबकि ज्ञानी जन कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं सार्थक बोलते हैं और श्रेष्ठ रूप से बोलते हैं। ये थे सूक्ति सौरभ के कुछ सूक्तियां। आशा है आप सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।